तुर्की में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई यहां पर तीव्रता, लोगों में डर का माहौल। तुर्की में कई जगहों पर महसूस किए गए भूकंप के झटके, दहशत में सड़कों पर जमा हुए लोग, यहां पर दियारबकीर शहर का वीडियो आया सामने। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने किया हताश शहर का दौरा, राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है जायजा, रेस्क्यू टीमों से भी की मुलाकात। यूपी विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन आज, शोक प्रस्ताव पारित कर कार्यवाही होगी स्थगित, अपना दल विधायक राहुल कोल को दी जाएगी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने तुर्की से लौटी रेस्क्यू टीम से की मुलाकात, एनडीआरएफ के काम की सराहना, कहा देश कोई भी हो भारत मदद के लिए आगे रहेगा। भारत और सिंगापुर के बीच डिजिटल लेन देन होगा आसान, पीएम मोदी की मौजूदगी में लॉन्च होगी यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच पेमेंट। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अभद्र भाषा कांग्रेस की पहचान, पहले भी कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी का अपमान। मुंबई के एक इवेंट के दौरान सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की, सेल्फी लेने के दौरान दौड़ा एक शख्स, सोनू निगम भी और उनके साथी को आई चोट, चैंबूर विधायक के बेटे पर केस दर्ज। जम्मू कश्मीर कटरा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.4 तीव्रता, हिमाचल के धर्मशाला में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन, ज्वाइंट डायरेक्टर नरेश सिंह गिरफ्तार, 20 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप। गृहमंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर तंज, का 2024 चुनाव के बाद दूरबीन से खोजने पर भी नहीं मिलेगी कांग्रेस, जब से राहुल नेता बने कांग्रेस नेताओं का स्तर नीचे जा रहा है। पीएम मोदी के पिता पर विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की बड़ी मुश्किलें, लखनऊ के बाद वाराणसी में भी FIR। अब्बास अंसारी की जेल से होगी सख्त निगरानी, डीजी जेल कासगंज, जेल भेजे बॉडी वॉर्न ड्रोन कैमरे, बैरक के आसपास तैनात जेलकर्मी पहनेंगे बॉडी वॉर्न कैमरा, अब्बास के आसपास तैनात जेलकर्मी हर माह बदलेंगे। देवबंदी उलेमा मौलाना असालिम अशरफ काजमी पर मोहन भागवत पर तंज, पहले हमारे पूर्वज हिंदू थे लेकिन अब तो मुसलमान हैं। ज्ञानवाबी मामले में आज जिला अदालत में सुनवाई, दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट दे सकता है आदेश। यूपी में 50 बेड वाले आयुष के अस्पतालों की होगी जांच, निर्माण में घटिया सामग्री के होने की मिली शिकायत, भवन की गुणवत्ता और खरीदे गए उपकरणों की होगी जांच। सपा प्रदेश कार्यकारिणी में कई होंगे बदलाव, फ्रंट संगठनों में कई अहम बदलाव दिखेंगे, कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी, कुछ नए नामों को संगठन में मिल सकती है जगह। सिद्धार्थनगर में चर्च में धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने प्रार्थना स्थल पर तोड़फोड़ की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर देहात मामले में सीएम की ओर से गठित SIT की टीम ने लोगों के दर्ज किए बयान, सीएम योगी ने SIT से 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट के मामले में हिस्से शीटर की संपत्ति कुर्क, डीएम के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस से एक मकान 3 दुकान समेत 22 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्क। नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने टाटा कंपनी का रैपर लगाकर नकली नमक बेचने वाले दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 1575 किलो नकली नमक बरामद। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी ने किया पवन खेड़ा का बचाव, बोले बीजेपी के लोगों की परंपरा मुकदमा दर्ज कराना। आगरा मस्जिद के प्रबंधक का धीरेन्द्र शास्त्री पर बड़ा आरोप, कहा धीरेन्द्र देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों से रहें दूर। शाहजहांपुर में शराब का उत्पादन बंद होने पर भड़के कर्मचारी, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोला, कर्मचारियों ने
में नौकरी जाने का डर, कंपनी के गेट पर अनिश्चितकालीन धरना। लखीमपुर खीरी सदर कोतवाली इलाके में स्कूल के बच्चों का कार पर स्टंट कर रील बनाने का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्टंट में प्रयोग किए जाने वाली 12 कार को किया सीज। बरेली में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार गौ तस्कर पर दर्ज है अधिक मुकदमे। जौनपुर में पुलिस टीम के साथ हुई बदमाशों की मुठभेड़, मुठभेड़ में दो साथी लुटेरे पैर में गोली लगने से घायल, मौके से एक बदमाश फरार। बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, एक तमंचा और 315 बोर के कारतूस के साथ सोने चांदी के जेवरात बरामद। बरेली में पुलिसकर्मी ने की आत्महत्या, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, ड्यूटी के दौरान खुद को मारी गोली। गाजीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही, बिना परिजनों को बताए गर्भवती महिला को प्राइवेट हॉस्पिटल में किया शिफ्ट, इलाज के दौरान गर्भवती महिला और बच्चे की मौत, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। अलीगढ़ में महिला से विशेष समुदाय के युवकों ने किया छेड़छाड़, विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। श्रावस्ती में पुलिस एसएसबी की संयुक्त टीम ने एक नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार, कब्जे से दो अवैध तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद, पुलिस नेपाली तस्कर से कर रही है पूछताछ। मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, मारपीट में चली गोली, गोली लगने से एक युवक घायल, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शाहपुर थाना क्षेत्र के कसेरवा का मामला। बहराइच में मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे चाचा भतीजे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी। जालौन में दिनदहाड़े एक युवक को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा, मारपीट का वीडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। मथुरा में पुलिस टीम चेकिंग के दौरान अवैध शराब की तस्करी करने वाले शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चंडीगढ़ से तस्करी कर ला रहे थे शराब। सहारनपुर में पति पत्नी के बीच आपसी विवाद में पति ने काटी अपनी गर्दन, थाना देवबंद क्षेत्र के नौ गजा वीर के पास का घटना। आगरा में थाना न्यू आगरा पुलिस ने किया बाइक चोर गैंग का खुलासा, तीन बाइक चोरों ने नौ बाइक बरामद की। देवरिया के बरियापुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 30 गौवंश पशु को किया बरामद, पुलिस ने एक पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया। हापुड़ के थाना संभावली पुलिस ने दो ऐसे अंतर्राज्यीय शातिरों को किया गिरफ्तार, डेबिट कार्ड बदलकर खाते से रुपए निकालते थे शातिर बदमाश, पुलिस ने 1,20,000 रुपए की नकदी के साथ अलग अलग बैंकों के डेबिट कार्ड, दो कार की बरामद। बांदा में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रेलर ट्रैक्टर से में घुसा, पांच बच्चे चपेट में आए, एक की मौत, चार की हालत गंभीर। हरदोई में मृतक के परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर लगाया जाम, करीब 5 घंटे लगा रहा जाम, एसडीएम और सीओ ने ग्रामीणों को समझाकर खुलवाया जाम। बेनीगंज में सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला था युवक का शव। बरेली में डायल 112 पीआरवी में तैनात सिपाही ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, सिपाही को एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बांदा में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत। मथुरा में चलती कार में भीषण आग लगी, कार सवार लोगों ने बचाई अपनी जान, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में दो गाड़ियों में भीषण टक्कर, हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। जौनपुर में लोगों से ठगी करने वाला गिरफ्तार, नकली ऑफिसर बनकर करता था ठगी, 11 फर्जी आधार कार्ड बरामद। जौनपुर में अज्ञात कारणों में से कार में लगी आग, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, जलकर राख हुई कार। जौनपुर में युवक पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला, बुरी तरीके से घायल हुआ युवक, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
बिजौर में पिकअप गाड़ी ने चार लोगों को मारी टक्कर, नशे में धुत था पिकअप चालक, पुलिस ने पिकअप चालक को किया हिरासत में। इटावा में चोरी करने का विरोध करने पर चोरी महिला की हत्या कर मौके से हुए फरार, एसएसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच पड़ताल जारी। कुशीनगर में कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 8 लोग बुरी तरीके से घायल, अस्पताल में जारी है इलाज। हरदोई में महिला के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार वालों पर हत्या का आरोप, पुलिस ने महिला के पति को लिया हिरासत। आगरा में दबंगों ने युवक को बुरी तरीके से पीटा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मैनपुरी में सेना के रिटायर्ड जवान ने बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की, पुलिस ने रिटायर्ड जवान को किया गिरफ्तार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार और कंटेनर में हुई टक्कर, 2 लोगों की मौत, 2 लोग बुरी तरीके से घायल। सोनभद्र में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, 1,20,00,000 की अंग्रेजी शराब बरामद। आगरा में नवजात बच्चे को जन्म के बाद सड़क पर फेंक कर मां फरार, सूचना पर मौके पर पहुंची ट्रांस यमुना पुलिस। अमेठी में दिन दहाड़े बहादुरपुर मंडी से सब्जी विक्रेता की बाइक को किया चोरों ने पार, बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, पुलिस जांच में जुटी। महोबा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छेड़छाड़ के आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेल भेजा, मासूम बच्ची से घर में घुसकर युवक ने की थी छेड़छाड़। बागपत के थाना चपरौली पुलिस टीम की बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 1,00,000 के इनामी कुख्यात गैंगस्टर भगत उर्फ समरपाल को किया गिरफ्तार, कई मामलों में फरार चल रहा गैंगस्टर। आगरा में सीआईएसएफ कर्मियों ने तोड़ी मर्यादा, पर्यटकों के साथ की मार। बागपत में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर भरत पर कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। चंदौली में 1 महीने पहले लापता हुए युवक का मिला शव, एसआरपीएफ ग्रुप सेंटर के गेट पर मिला शव। कानपुर देहात में मकान के बंटवारे को लेकर परिवार के 2 पक्षों में विवाद, देवर ने किया भाभी पर हमला। सीतापुर में गन्ने मेल से लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटा, बाल बाल बचे बुलेरो सवार यात्री। रायबरेली में पुलिस के मार के डर से युवक ने किया सुसाइड, ग्राम प्रधान ने पुलिस से पिटवाने की दी थी धमकी। शामली के कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मन्ना माजरा के पास बने पटरी पर पुल न बनने को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य लेकर ग्राम प्रधान ब्लॉक प्रमुख को पुल से गिर कर बीते 6 महीने में हो चुकी है 3 बच्चों की मौत। मुजफ्फरनगर में घर में घुसकर बदमाश एक व्यक्ति को मारी गोली, घायल, पुलिस ने अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिजौर में बाघ की चहलकदमी से इलाके में हड़कंप, 1 दर्जन गांव में मंडराया बाघ का खतरा। जालौन में झूले पर फ्री में बैठने की मांग पर दबंगों ने झूला संचालक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से की पिटाई, पिटाई से लहूलुहान युवक की पिटाई का वीडियो जारी कर न्याय की गुहार लगाई। भदोही के बुड़की गांव में 16 वर्षीय छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, छात्र का शव रस्सी के सहारे लटकता हुआ मिला, पुलिस जांच में जुटी। आगरा में मामूली का हाथ होने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लात घूसे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस जांच में जुटी। शामली में बारात की विदाई के समय दूल्हे के कार की मांग करने पर दूल्हे के बंधक बनाकर पिटाई, दुल्हन के परिवार वालों ने सभी बारातियों को पुलिस को सौंपा। देवरिया में एक युवती के साथ 2 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, घटना के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल में मंदिर परिसर में बाइक ले जाने से मना करने पर 2 सगे भाइयों ने पीएसी के जवानों पर किया हमला, जवानों के साथ हाथापाई करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस जांच कर रही है। बाराबंकी में खेत की रखवाली कर रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या, सुबह खेत में पड़ा मिला किसान का शव, परिवार में मचा कोहराम। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां तेज, सीएम धामी यात्रा को लेकर आज लेंगे अहम बैठक, प्रदेश में अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा।
सीएम धामी ने पूर्व पीएम और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की मुलाकात। राज्य के विकास से संबंधित अलग अलग मुद्दों पर की बातचीत। रुड़की में पटाखों के गोदाम में आग लगने से हुआ हादसा, चार लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से झुलसा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रुड़की अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने के बाद धरने पर बैठे खानपुर विधायक उमेश कुमार, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद, सरकार से मुआवजे और आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में 25,000 का इनामी गिरफ्तार, एसटीएफ ने उपेंद्र जायसवाल को दबोचा, 44 आरोपियों की हो चुकी गिरफ्तारी। चारधाम यात्रा को लेकर जोरों पर तैयारियां, केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार में गंगा नदी में डूबने से युवक की मौत, देहरादून में कोचिंग कर रहा था युवक, शव की तलाश कर रही पुलिस। भारत ने आयरलैंड को 5 रन से हराया, डकवर्थ लुईस मेथड से जीता मैच, वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। ओपनर स्मृति मंधाना ने खेली 87 रन की बेहतरीन पारी, प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। भारत से टेस्ट सीरीज के बीच ऑस्ट्रेलिया जाएंगे पेंड्रिक कमिंस फैमिली मेंबर की बिगड़ी तबियत, इंदौर में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट से पहले होगी वापसी।